अफगानिस्तान एक बार फिर तिहरे धमाके से दहल गया। इन हमलों में करीब 50 लोगों की मौत हो गई है जबकि 72 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दरअसल अफगानिस्तान के कई शहरों में सिलसिलेवार धमाके हुए। बीती रात कंधार में गवर्नर के घर में रखे सोफे में बम ब्लास्ट हो गया जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं यूएई के राजदूत समेत कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। सिलसिलेवार धमाकों में एक हमला हेलमंड प्रांत में हुआ जहां एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस धमाके में 7 लोग मारे गए जबकि 26 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि इससे पहले बीती शाम सबसे जबरदस्त धमाका काबुल में भारत की आर्थिक मदद से बने संसद भवन के पास हुआ था। आतंकियों ने यहां संसद से निकल रहे कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी समेत 38 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो यहां मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि देश से विदेशी सैनिकों को भगाने के लिए अभियान चला रहे आतंकी संगठन तालिबान ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल हमले की निंदा की है और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान की इस लड़ाई में भारत के साथ होने की बात कही है। अमेरिका के समर्थन से अशरफ गनी की सरकार तालिबानी उग्रवाद के साथ साथ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है जिससे बौखलाए आतंकी संगठन इस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देख रहिए टीवी लाइव।